कोरोना जैसी महामारी में भी अपनी जान की परवाह न करते हुए लगातार अपनी सेवा देने वाले देवास जिले के खातेगांव में 108 एम्बुलेंस के पायलटों को आज सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक शर्मा ने बताया कि आवश्यक सेवा 108 के माध्यम से विपदा में पड़े लोगों को जैसे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उन्हें उठाकर तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए निकटतम अस्पताल पहुँचाने वाले हमारे 108 के पायलट अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। कोरोना जैसी महामारी में इन लोगों ने रात दिन अपनी स्वयं की जान की परवाह न किए बगैर मरीजों को कोविड सेंटर तक पहुंचाया है और निरंतर अन्य घटनाओं आपदाओं में निस्वार्थ कार्य करते रहते हैं। इसी को देखते हुए 108 के पायलटों का सम्मान हमें करना चाहिए, इसलिए खातेगांव भाजपा के लोगों ने खातेगांव में 108 के पायलटों का सम्मान किया है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। अत्यावश्यक सेवा 108 जिसके माध्यम से विपत्ति में पड़े हुए मनुष्यों को जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उन लोगों को उठाकर तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए अस्पताल निकटवर्ती पहुंचाना, ये काम हमारे 108 के वॉलंटियर्स, हमारे पायलट, हमारी EMT मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। निश्चित ही कोरोना जैसी महामारी के समय इन लोगों ने रात रात भर, दिन दिन भर अपनी स्वयं की जान की परवाह किए बगैर मरीजों को कोविड सेंटर तक पहुँचाया और निरंतर दुर्घटनाओं में और अन्य आपदाओं के समय भी ये लोग निर्बाध रूप से काम करते हैं। इसलिए आज हमारे मन में ऐसा विचार आया कि इसे 108 के वॉलंटियर्स का सम्मान हमको करना चाहिए था, इसलिए आज हमने खातेगांव में हमारे 108 के पायलट और EMT भाइयों का यहाँ पर सम्मान किया है। निश्चित ही इनकी सेवाएं पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है। नौकरी सभी लोग करते हैं लेकिन नौकरी के साथ साथ जिस मानवीय गुण को ये अपने अंदर सहेजे हुए हैं वो वास्तव में बिरले लोगों में देखने के लिए मिलता है। जिस व्यक्ति को, दुर्घटना में पड़े हुए आदमी को परिजन हाथ लगाने से कई बार मना कर देते हैं, अपने लोग जिसकी शरीर से दूर भागते हैं, ऐसे लोगों को अस्पताल तक पहुंचाकर, कोविड सेंटर तक पहुंचाकर इन लोगों ने मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है। इसलिए ऐसे सब देवदूत वॉलंटियर्स का आज हमने यहाँ पर सम्मान किया है और इसीलिए इस तरह का कार्यक्रम आज हमने करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।